मन कह रहा है मेरा घर घर शिविर लगाऊं, मन कह रहा है मेरा घर घर शिविर लगाऊं। अभी सब बच्चे नहीं बोल रहे। मन कह रहा है मेरा घर घर शिविर लगाऊं, घर घर में हो दिवाली, घर घर में हो दिवाली, ओ दीप जगमगाऊं। मन कह रहा है मेरा घर घर शिविर लगाऊं, श्री देव शास्त्री गुरुवर आदर्श हो हमारी। कितने बच्चे सुन रहे हैं उत्तर देना। श्री देव शास्त्री गुरुवर आदर्श हो हमारी, बोलना। शास्त्री गुरुवर आदर्श हो हमारी, सन मार्ग पर चले हम, सन मार्ग पर चले हम, ओ दीप जगमगाऊं। अहिंसा धर्म से बापू भारत को दी आजादी, ध्वज धर्म का केसरिया, ध्वज धर्म का केसरिया। सभी बच्चे बोलो। ध्वज धर्म का केसरिया दुनिया में फहराऊं, दुनिया में फहराऊं। मन कह रहा है मेरा घर घर शिविर लगाऊं, मन कह रहा है मेरा घर घर शिविर लगाऊं। कर्तत्व बुद्धि से ही दुनिया दुखी है सारी, संस्कार शिविर में टेंशन सभी मिटाऊं, जल छान के ही पीना, दिन में ही करना भोजन, बोलो। दिन छान के ही पीना, दिन में ही करना भोजन, पहचान बाहजेनी पन की इसे बचाऊं, भूखा लछोबे कोई, प्यासा रहे न प्राणी, मन मोम सा हो पिघला, सेवा सदा दिखाऊं। विषयों की वासना से ये पांच पाप होते, निर्ग्रंथ मुनि बन कर, बोलना। निर्ग्रंथ मुनि बन कर ये दोष सब हटाऊं, निर्ग्रंथ मुनि बन कर ये दोष सब हटाऊं, जीवन में न्याय नीति से ही कमाए धन सब, क्या साथ में है जाना यह मंत्र भी सुनाऊं। ये धर्म भूमि भारत बह दूध घी की नदियां, ओ बंद कत्ल खाने
करुणा हृदय जगाऊं। ये बेटियां ही बनती सीता से सती पावन, ओ बंद भ्रूण हत्या ओ आत्मबल जगाऊं। घर घर धर्म की चर्चा गूंजे जिनेन्द्र वाणी। सभी लोग सुन करके इस लाइन को दोहराए ना, घर घर धर्म की चर्चा, बोलो घर धर्म की चर्चा गूंजे जिनेन्द्र वाणी, गूंजे जिनेन्द्र वाणी सर्वार्थी सिद्धि साही मोहो ए जगाऊं। सादर निजन मिले तो खुशी हो अपार भारी, आदर करूं हृदय से सबको गले लगाऊं। जल है तो कल है नारा, बिरथा बहे न पानी, बिजली बिना प्रयोजन बर्बादी से बचाऊं। अंतिम है, सभी बच्चे सुनेंगे और दोहराएंगे ना, गुलजार हो हमारा भारत चमन ये सारा, गुलजार हो हमारा भारत चमन ये सारा, घर घर में हो दिवाली, बोलो घर घर में हो दिवाली, ओ दीप जगमगाऊं। मन कह रहा है मेरा घर घर शिविर लगाऊं। सब बच्चों को बहुत बहुत प्यार, सभी विद्वानों को जो अपनी अपनी अनुकूलता छोड़ के आए और ऐसी मधुर पवित्र शिक्षा देंगे, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। ये मंगलमय शिविर हो ऐसा सबको बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी।